गोरखपुर विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग में एडवांस मटेरियल साइंस विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन विभाग के सेमिनार कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मैरीलैंड विश्वविद्यालय बाल्टीमोर यूएसए के वैज्ञानिक प्रोफेसर नरसिंह बहादुर सिंह, विशिष्ट अतिथि आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर एस राम के अलावा कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर सुग्रीव नाथ तिवारी एवं आयोजन सचिव प्रोफेसर उमेश यादव सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने किया। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में वक्ताओं ने एडवांस मटेरियल साइंस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। अपने मुख्य विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शंकर राम जी के प्रश्न और क्या चीज रिलीज हो जाए, तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना ओरिजिनल थिंकर है, कितना अनबायस्ड है। इसीलिए जितने यंग साइंटिस्ट हुए हैं ज्यादा वेरी यंग एज जब 28-30 साल में, क्योंकि उनका माइंड अनबायस्ड होता है। वो ये नहीं मान के चलता कि ये इवेंट ऐसा ही होगा, वो ये नहीं मान के चलता कि अगर पेड़ से गिरेगा तो जमीन पे ही आएगा और जमीन पे आएगा तो क्यों आएगा। तो जब तक आप अनबायस नहीं है किसी भी इवेंट के लिए, आप पहले से नहीं आ सकता इसके ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है, ऐसा क्यों होता है जब ये सोचेंगे तो शायद कोई ओरिजिनल आइडिया निकल के आती है। जब एनर्जी लिबरेट करती है वो थ्योरी बताती है, बाद में हम उसी डिस्कवरी के आधार पर किए गए। लेकिन अक्सर मैं कभी बात करता हूँ फिजिस्ट से या लाइक इंजीनियर से, तो मेरा ये क्वेश्चन उनसे रहता है और अभी भी यहाँ हीट क्लास बैठा हुआ है, मेरा भी क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि अगर E=mc² है तो ये इरिवर्सिबल है रिवर्सिबल है। अगर मास को डिसइंटीग्रेट करें एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग लिबरेटेड, तो कांट वी कैप्चर द ह्यूज अमाउंट ऑफ लिबरेटेड एनर्जी इन द फील्ड ऑफ फॉर्म ऑफ ए मास। रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे एनर्जी आप देखिए हमारे नेचुरल फिनोमेना से क्रिएट होते रहते हैं, बोले यहाँ पे क्लाउड है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग लिबरेटेड एंड इट इज बीइंग वेस्टेड, क्योंकि हमारा बेन दोनों कहा जाता है कि बून एज वेल एज बेन, तो हम बेन पार्ट को इग्नोर करते हुए ह्यूमन काइंड के लिए या इन्वायरमेंट के लिए आप पूरे सिविलाइजेशन के लिए बात करें। अगर साइंटिस्ट इस बात को प्रोफेसर महेश्वर मिश्रा की और पूरी दुनिया में फैले हुए, लेकिन जिनको कुछ चाहिए वो तो बिजनेस क्लास है और गवर्नमेंट का भी यही रहता है। साइंस के आधार पर हर चीज़ निर्भर है, चाहे आप शरीर के लिए बायोलॉजिकल के लिए लीजिए, चाहे डिफेंस के लिए लीजिए, चाहे रोज़ काम आने वाली चीज़ों के लिए लीजिए। जैसे आपको बायोलॉजिकल में यहाँ पर 30 साल के अंदर सबको जो किडनी स्टोन है पत्थर, ये दुगना हो गया है। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके जानकारी के लिए मटेरियल्स का नॉलेज ज़रूरी है और उसके आधार पे आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे पेट में लोग नींबू पानी लेता था, उसका कारण यह है कि वो पथरी कम होती थी, वैसे ही मान लीजिए आजकल के जितने भी चीज़ें हैं, जैसे मिलिट्री का आप लीजिए, हर एक पार्ट्स में, हर एक चीज़ों में, चाहे वो आसमान के लिए बनी हो, चाहे ज़मीन के लिए बनी हो, चाहे एरोप्लेन के लिए, मटेरियल्स की ज़रूरी है। हमारे देश में यहाँ के लिए, जैसे जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी के अलावा एनर्जी की बात है, उसके लिए लोग इस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर के ज़्यादा से ज़्यादा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए कैपेसिटर बनेगा तो एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और दूसरा, जैसे गाँव के लिए बिजली आदि के लिए लोग जो है ऐसे पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक से दूसरे तरफ बदलते हैं, तो उसमें से एनर्जी निकलती है और उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आजकल जो सोलर सेल बना है तो उन सब की एनर्जी को स्टोर करके आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जीवन के हर अंग में, हर भाग में आप जो है मटेरियल्स का उपयोग कर सकते हैं। और यह जो मीटिंग है जो प्रोफेसर तिवारी ने किया है, ये बहुत ही टाइमली, बहुत ही समय से है और अब ये यंग लोग जो हैं, बच्चे हैं, उनको इससे देख करके कुछ ना कुछ जो है अपना सेल्फ स्टार्ट, जैसे अपने आप वो शुरू करें, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और हम आशा करते हैं कि ये तिवारी जी का जो एफर्ट है ये कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के रूप में बदलेगा। धन्यवाद।